ऑपोजिशन पार्टीज का कहना है कि क्या मुसलमानों को शरिया और हदीस के हिसाब से रहने का हक नहीं है? देखिए, ये भी एक प्रकार की भ्रांति है। शरिया और हदीस के हिसाब से 1937 से नहीं रह रहा है देश का मुसलमान। 1937 अंग्रेजों ने जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बनाया तो उसमें क्रिमिनल एलिमेंट क्यों निकाल दिया भाई? फिर तो चोरी करने वाले के हाथ काट दो, बलात्कार करने वालों को रोड पर पत्थर मारकर मार दो। कोई मुसलमान सेविंग्स अकाउंट नहीं खोल सकता, सूद नहीं ले सकता, लोन नहीं ले सकता। शरिया और हदीस से अगर जीना है तो पूरा जीना चाहिए। सिर्फ चार शादी करने के लिए शरिया और हदीस क्यों आता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इस देश का मुसलमान शरिया और हदीस की सारी चीजों से अंग्रेजों के समय से कटा हुआ है, और देश ढेर सारे इस्लामिक कंट्रीज भी ये छोड़ चुके हैं। ये कांग्रेस की एपीसमेंट की पॉलिसी है, वोट बैंक की पॉलिसी है। इस देश के माइनॉरिटी से बाहर आए, और ये सालों से नहीं है, आज से नहीं है, ऐसा नहीं है, सालों से नहीं है। आज भी सिविल सूट होता है तो देश के संविधान के हिसाब से मुस्लिम भाइयों का सिविल सूट होता है, शरिया और हदीस के हिसाब से नहीं होता। काजी के पास कोई नहीं जाता है। तो क्या वो सब राहुल जी लागू करना चाहते हैं? चोरी करने वाले के हाथ काट दो, बलात्कार करने वालों को पत्थर मारकर मार दो, देश का जो द्रोह करेगा उसको फांसी पर चौराहे पर लटका, ये सारा लाना है क्या?